भारत स्वाभिमान आंदोलनातर्फे 23 मार्च पासून देशात योग महोत्सवाचे आयोजन करण्यात येणार आहे। 1 मार्च पासून संस्थेचे कार्यकर्ते देशात प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन आरोग्यासह वोट फॉर मोदीचे मिशन राबवणार आहेत, असेही रामदेव बाबांनी यावेळी जाहीर केले। यावेळी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी काँग्रेस राहुल गांधी यांच्यासह आपवर टीकास्त्र सोडले। चांगले सरकार आणि चांगले नेतृत्व असावे ही आपली इच्छा आहे, त्यामुळे देशात सक्षम नेतृत्व मिळायला हवे। सत्ता हे आमचं उद्दिष्ट नाही। भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढण्याची आणि VIP संस्कृती मोडण्याची भाषा केजरीवाल करतात। त्यांनीच दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षितांना अटक करून दाखवावी, पण तसे न करता उलट आम आदमी पार्टीचा हात काँग्रेसबरोबर का, असा सवाल रामदेव बाबांनी उपस्थित केला। देशातील जनतेच्या नजरा नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी आणि अरविंद केजरीवाल यांच्याभोवती खेळलेल्या आहेत। काँग्रेसचा पराभव होत असल्याचे 3 राज्यांच्या निवडणुकांमधून दिसून आले आहे। आगामी सरकार स्थिर आणि जनतेचे उत्तरदायित्व स्वीकारणारे असावे, लोकांच्या मनात सरकारविषयी विश्वास असावा। नरेंद्र मोदींनी सर्वात प्रथम VIP संस्कृती मोडीत काढली, तर त्यांच्याशिवाय प्रामाणिक देशभक्त कोण, असा सवालही रामदेव बाबांनी उपस्थित केला। हिंदुस्तान की राजनीति में 2014 एक निर्णायक कालखंड होगा। जैसे त्रेता में भगवान राम के समय, द्वापर में भगवान कृष्ण और कलियुग में चाणक्य के समय हमने एक बड़ा परिवर्तन देखा था, ऐसे ही एक बड़ा परिवर्तन हम 2014 की राजनीति में देखेंगे, जब वंशवाद की राजनीति खत्म होगी और हिंदुस्तान के साधारण लोग असाधारण काम करेंगे। मैंने कल भी एक बहुत बड़े मीडिया के कार्यक्रम में इस बात को कहा, कि अब लोगों की नजरें 3 जगह आकर के केंद्रित हो रही है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, श्री अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी और बाकी सारे राजनीतिक दल, कुछ ऐसा सिनेरियो बना है जिसमें लोगों में बदलाव की आश जगी है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि कांग्रेस तो निश्चित रूप से पराजित होगी। यह मात्र विधानसभा के 4 राज्यों के चुनाव से ही प्रमाणित नहीं हुआ है, आगे भी होने वाला है। लेकिन कांग्रेस जाएगी यह तो सत्य है, आएगी किसकी सरकार, और वो सरकार स्थायी होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। और उसकी पहुंच और लोगों में उसका भरोसा होना चाहिए। आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी के बारे में मैं तो 2 बात कहूंगा। वो कहते हैं हम VIP कल्चर को खत्म करना चाहते हैं और देशभक्त ईमानदार लोगों की राजनीति करना चाहते हैं। तो VIP कल्चर यदि भारतीय वंशवादी किसी साधारण व्यक्ति ने असाधारण रूप से हस्तक्षेप किया, तो नरेंद्र मोदी एक तेली के घर में पैदा हुआ, अति पिछड़ी जाति में, और सियासत उसको विरासत में नहीं मिली, तो राजनीति में VIP कल्चर को तो सबसे पहले उसने तोड़ा। दूसरी बात देशभक्त और ईमानदारी की, तो नरेंद्र मोदी से बड़ा देशभक्त और ईमानदार कौन होगा। तो यदि वास्तव में वो VIP कल्चर खत्म करना चाहते हैं और देशभक्त ईमानदारों की राजनीति करना चाहते हैं, तो फिर देश के लोगों को एक बार बताएं कि भाई आप नरेंद्र मोदी के साथ क्यों और कांग्रेस के साथ क्यों हैं, नरेंद्र भाई मोदी के साथ क्यों नहीं और
1000 सालों में जितना मुगलों और अंग्रेजों ने मुल्कों को नहीं लूटा उससे ज्यादा 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट जिस कांग्रेस ने की, आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ या कांग्रेस का हाथ आम आदमी पार्टी के साथ क्यों है? और दूसरी बात, राजनीति में अनुभव, प्रामाणिकता और ट्रैक रिकॉर्ड। तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी 90-95% कांग्रेस को नुकसान करेंगे, 5-10% उसमें बीजेपी को भी वोट की दृष्टि से नुकसान होने की संभावना है। लेकिन जब लोग ये देखते हैं कि स्थायी सरकार कौन दे सकता है और साहसिक नेतृत्व कौन दे सकता है देश को, तो अभी भी निर्विवादित रूप से सर्वे एक तरफ की बात है, जमीनी स्तर पर भी हमने पूरे देश में पहले भी करीब 12 लाख किलोमीटर की यात्रा की है, अभी भी हम उसको देख रहे हैं, गांव-गांव तक, दूर दूर तक एक बड़े परिवर्तन के बदलाव के रूप में लोग नरेंद्र मोदी को देखते हैं। ये मैंने एक थोड़ी सी तुलनात्मक बात रखी। जहाँ तक राहुल गांधी का प्रश्न है, उस बेचारे के पास गांधी सरनेम के अलावा कुछ नहीं है।